अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज भाई जो है नाचने गया है किसी काम से जो ग्वाला जाता है भाई, तो मैं भाभी के साथ जो है ग्वाला जा रही हूँ आज। फिर तो आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बकरियाँ बकरियाँ खोल दिए हैं, ऊपर से भाभी लोग भी आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। भाभी अंदर से बकरियां खोल रही हैं, एक एक करके आ रही हैं ये लोग। ओ भाई ये देखो क्या स्पीड में आ रही है। जो हमने पुल बनाई थी उसी पुल से जाएंगे हम। आपने देखा होगा पहले एक व्लॉग में मेरे, ये देखो ये पुल हमने बनाई थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। ये पुल हमने बनाई थी, इसीलिए बनाई थी पुल हमने कि बकरियां ऐसे जा सके। आर पार ना बकरियां भीग जाती थी तो उन्हें ठंड लगती थी इसलिए। तो दगड़ियों आज हम जिस जंगल में लेके आए इन्हें, यहाँ आजकल बाघ भी आ रखा है। देखा है क्या बोलते हैं, कुछ दिनों पहले देखा गया है। वैसे तो रहते हैं यहाँ पर बाघ और भालू, पर नीचे नीचे में आ रखा है वो आजकल, तो इसलिए सारे जो ग्वाला वाले वो सारे इकट्ठे जाते हैं। तो हमारा प्लान पहले कहीं और का था, तो यहाँ पर आए हैं आधे लोग, तो यहीं आ गए आज हम। हाय दगड़िया। हाय। देखो आज हम इतना बड़ा बस लेके जा रहे हैं। आज यहीं रहने वाले हैं। आए यहीं रहने वाले हैं भाभी। सुबह सुबह यहाँ भालुओं की लड़ाई हो रही थी ना, आवाज आ रही थी घर तक, यहाँ इस साइड को पता चल जाता है घर तक आवाज आते हैं जब भालू लड़ते हैं। इसमें रोटी है ग्वाला के लिए। वो छोड़ो, ये देखो किस में लेके आए हैं गाइस, देखे ध्यान से। गाइस ये मैगी भी है, मैगी भी है, डोंगा भी है, सब दिखाएंगे अब सामान। ये हमारी डिक्ची, इसमें धनिया भी है, इसमें धनिया भी है, आज बनेगी मैगी हमारे जंगल में। ओके रोटी खा रहे हैं तो मैं तो खा के आई थी घर से। गाइस इसमें तेल का बोतल है, गाइस तेल का, ये मंदिर का टमाटर टमाटर भी है, रिफाइंड लेके आई मैं, सरसों का अच्छा नहीं होता है इसलिए। और एक दाना चुग भी लेके आई हूँ, एक दाना लेके आई हूँ, पता नहीं कौन कौन खाता है। और एक बोतल पानी है। चलो गाइस आज का हमारा पूरा हो गया कोटा। इन्होंने लेकिन अपना वाला सामान ही दिखाया, हमने दिखा दिया हमारा सामान। अभी दिखाते हैं गाइस हमारा बैग, ये रहा हमारा बैग, इसमें हमारा सामान है। लो बोल दिया गाइस, देखिए हमारे बैग से निकलेगा ये दो बोतल, एक बिस्किट, ये हमारी थाली है खाने के लिए, ये भीग चुकी है यहाँ से, ये हमारी दातुल है, यहाँ हम चाकू का यूज नहीं करते, इसमें चीनी है, चीनी भी है, ये मेरा ट्राइपॉड है, दो दाण प्याज भी है, दो मैगी। तो दगड़िया अब हम यहाँ पे बनाएंगे थोड़ी देर बाद मैगी। अभी से खुशबू आ रही है इनको। गाइस आपको भी खिलाएंगे हमारे, आपको भी खिलाएंगे, आप आ जाना कभी हमारे साथ जंगल यहाँ बकरियाँ चराने। बहुत बड़ी वाली मैगी, क्या बहुत बड़ी वाली डिग्जी लाएंगे तब हम। उम्र लग रहे इसके, इसमें थोड़े थोड़े ने कितने उम्र तो दी। मैं तभी वाली जैकेट पहन के आई, इसमें उम्र नहीं लगते। देखिए गाइस इसका मुंह, उनका मुंह दिखाओ, ये देखिए गाइस इनका मुंह, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये देखो इनको तो आप जानते होंगे दिनपुरा के। यहाँ थोड़े थोड़े नेटवर्क आ रहे हैं ऊपर चढ़ के पेड़ पे, थोड़े से बैठे हैं भाभी जो नेटवर्क की खोज में, पर आ नहीं रहे उतने नेटवर्क। झल में क्यों बैठ रही है उनके, ये मेरे झल में बैठ रही है। अच्छा क्या करती है तू लक्ष्मी? उनकी लक्ष्मी हो गई। तो अभी जहाँ दीदी दीदी लोग ये लोग झाड़ काटने आते थे घास काटने, वहाँ हम आए हैं। ये देखो व्लॉगिंग उसको दिखा रहे हैं वीडियो कॉल में कि यहाँ तो घास काटने आती थी करके। तो दगड़ी हम अभी यहाँ पे नहीं बना रहे मैगी क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं हो पा रही ढंग की बैठने की, तो अब ऊपर बनाएंगे मैगी, ऊपर में प्लेन जैसा है थोड़ा। ये देखो अब भाई बनाएंगे चूल्हा,
ना ना है जल थोड़ा पास पास करना पड़ेगा ना? हाँ ये बैठने के लिए वहाँ पे काट रही है घास हमें ठहल का हो जल में ये तो पिकनिक हो रही है पूरी जंगल में पिकनिक ज्योति चले गए घास काटने कहाँ गई है वो ऊपर को वहीं पे नहीं उधर गई चली गई अच्छा यहाँ बन गया हम बना रहे हैं मैगी 5-6 लोगों के लिए देखो गाइस ये झाड़ लेके आ गई एक ही पुल काट के लाई है एक ही बकरी है ना घर में इसकी एक ही बकरी के लिए एक पुल ठीक हो गया वहाँ अभी बनी नहीं है मैगी जल्दी आ गई तो चलो भाई हमारी मैगी बन गई ज्योति को लग रहा था हमने खा दी मैगी इसलिए फटाफट आ गई एक ही फूल काट के आए घास का अरे हाँ एक ही बकरी है ना घर में अरे कुमार लगे नहीं लगे पीछे दगड़ियो देखो ये लड़ रही है इसकी डिग्जी हमने काली बना दी है साइड से तो इसके पापा धोएंगे आज पापा धोएंगे मम्मी को बोलो धोने के लिए मम्मी बोली थी मत लेके जा ये देखो मीना को लेके आओ यही रख देना इस डिक्की को कल आएंगे यहाँ कल हम इसमें खिचड़ी बनाएंगे ये आना ये देखो तम तो नहीं आओ ना मस्त हो गई खाना काट लिए धनिया हम बैठे हैं कहाँ बैठे हैं हमें नाम क्या था यहाँ का बानदार बह रहा है मैं बानदार बह हमारी मैगी बन चुकी है अभी थोड़ा सा और उनके लिए अलग रखना पड़ता है देखो गाइस इतनी कंजूस है वो छोटा सा रखा है वहाँ पर छोटी छोटी सी रोटी बना के लाई मैं चलो अब हम नन्नू खावी बड़ा 4-5 पैकेट बड़ा रखा 6-7 आवे नन्नू जी खाओ कैसे लग रहा है फिर बहुत ही टेस्टी हो रहा है मैगी तो कॉम्बिनेशन मुन्नर वाट दगाड़ मैगी ही है मैगी तो टेस्टी बनाई तो इन्होंने है मैगी तभी तो टेस्टी है हाथों में स्वाद है इनके हाथ तो दिखाओ बहाना चपाल वाला गुण वाले क्यों ना वाल फोन में बात करना को ना चल ठीक है पसल करो जदीन जदि निवाल बोलो गालो दिन कौन की हाँ तू बुलाना चाहिए तो जल्दी प्यारे गल बात करना चाहिए चल ठीक है यालो करूँ तो मैं फोन अब हम ऊपर को जा रहे हैं बकरियाँ ढूंढने कि गिनने या कहीं पर जली रहेगी ना अपने आप बुझ जाएगी चलो क्या हुआ कुछ हलचल हो गई गाइस भाग तो नहीं है इससे मारेंगे हम बाघ को बड़खट से मार दोगे आप मारेंगे वहाँ भाग जाएंगे हम तो भाग जाएंगे बोल रहे जान प्यारी होती है हाँ वही तो
तो दगड़िया वहाँ पर आगे में खून जैसा दिखा है, तो आप बकरियाँ ढूंढते हैं, मिसिंग तो नहीं है कोई बकरी कि बाघ भी आ रखा है ना, तो इसलिए। तो गाइस यहाँ पे खून के निशान तो मिले हैं, अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। साथ साथ ही रहते हैं वो लोग, आगे चले गए, मैं भी आगे जाती हूँ। यहाँ पे आजकल ना बाघ आ रखा है, नीचे नीचे को आ रखा है वो, तो इसलिए सारे जो ग्वाला वाले वो एक साथ ही इसीलिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े दिनों पहले भी बाघ देखा गया था, तो इसलिए। बकरियाँ ढूंढ रहे हैं अभी सब अपने अपने। तो गाइस जंगल भी बटा रहता है, आप लोग अब मजाक में मत समझना, सच में बटा रहता है ये वाला हिस्सा जंगल के हिस्से में, जहाँ आए हैं ज्योति लोगों का जंगल है, ज्योति लोगों का है धर्मे वालना का है। ज्योति यार हम तो जंगल में आ गए, तो डांटेगी तो नहीं है ज्योति? अभी हमारे सामने भालू या बाघ आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, हमें भी नहीं पता ये तो। मैं तो भाग जाऊंगी, मैं तो भाग जाऊंगी तो तेरे पीछे पीछे आएंगे वो तो मैं सांस लेना बंद कर दूंगी, ऐसे लेट जाऊंगी। भालू वाली स्टोरी सुनी है ना बचपन में जो, या तो गाइस देखिए नेटवर्क के लिए देखिए वो कहाँ चढ़ के फोन में बात कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के पेड़ में, वो ऊपर जाके नेटवर्क आया है उनका। तो गाइस अब हम नीचे को जाते हैं, ये ले लिया हमने हलासियों, तो अब इनको जलाएंगे नीचे जाके आग, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। अभी 3 बजे हम आए थे, 11:30 बजे, 3 बज रखे हैं अभी, तो अब चलते हैं आगे को। भाई मेरे को मारेंगी ये अभी, सींग से कैमरे में आना है तेरे को भी, ले आ जा। हाय दगड़ियो, तो गाइस बकरियाँ अब आधे इधर को जा रहे हैं, आधे उधर को, वो उधर वालों की बकरियाँ थी, ये हमारी हैं, बैल और आ रहे हैं। तो दगड़ियाँ अब हम पहुँच गए घर, यहाँ से बकरियाँ अब बट जाएंगी, बाय बाय। अच्छा बाय, हमारी बकरियाँ वो आगे भाग गई। हाय दगड़िया देखो, हाय दोस्तों, हाय दगड़ियो कह दियो पे, हाय दगड़ो दगड़ियो कैसे रहा, कैसे रहा कह दियो, तुम क्यों ना कह दियो, ये पहाड़ में बोल दियो ही अब, तो कैसे रहे? मैं बढ़िया रही हूँ तो मैं बकार ले आ गया, अब हम जाने चलो पे पहुँच ले जाए, कहाँ जाना हाथे खेते अब बाद में घाम ना होने पे ब्याल खाएगी चलो मैं बाय। तो दगड़ियों अभी मैं अब नेट चलाने जा रही हूँ, पूरा पैक होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी, कान पूरे ठंडे हो जाते हैं, मास्क भी लगा के ठंडा लग रहा है, इसलिए इंस्टा पे लिंक लगाने है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब का ब्लॉग का, तो इसलिए लेट हो गया, आते आते अंधेरा हो जाता है तो सारे लोग गांव में जहाँ जहाँ से आए मामा से पूछ रहे, डरने लगती है तेरे को इतनी रात में आती है वहाँ से, रात तो नहीं 6 बजे आती हूँ पर अंधेरा हो जाता है, ऊपर जंगल हुआ ना इसलिए थक गई। अभी ग्वाला से आए, काम भी हुआ, नेटवर्क होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर चलो कोई बात नहीं,
इतना संघर्ष करना ही पड़ता है अब। Oh।